हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब सेंटर के फिर से एक नए और एक्साइटेड वीडियो में। इस वीडियो में बताऊंगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में बताऊंगा। उससे पहले जरूरी बात आपके लिए, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने एक बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसे किया जितने भी सर मैं भर्ती लाता हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट हो, सबको सबकी जानकारी आप अपने यूट्यूब पर पा सकें। तो चलो वीडियो बिना देरी के स्टार्ट कर दें। दोस्तों ये जो भर्ती है दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक की भर्ती बम्पर भर्ती आने वाली है दोस्तों, जिसमें कि इसमें बहुत सारे पद होंगे दोस्तों। अगर पद की बात करें तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड GD की भर्ती और बहुत सारे भर्ती इसमें होगी दोस्तों। अगर बैच की बात करें 2020 बैच है दोस्तों यांत्रिक की भर्ती। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई है दोस्तों। अगर इसमें सैलरी की अगर बात करें तो दोस्तों 22,000 से लेकर 33,200 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, तो बम्पर सैलरी मिलेगी दोस्तों। अगर इसमें बात करें तो फीस है तो दोस्तों फ्री फीस है दोस्तों। अगर इसमें एज की बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल का युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें SC ST को 5 साल का आरक्षण मिलेगा और OBC को 3 साल का आरक्षण इसमें मिल जाएगा दोस्तों। अगर इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि देख पा रही, अगर हाइट की बात करें तो दोस्तों 157 सेंटीमीटर हाइट मांग रहा है तो कोई ज़्यादा नहीं दोस्तों, 157 मांग रहा है। चेस्ट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपके होना अनिवार्य है दोस्तों। अगर बात करें PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो 1.30 किलोमीटर रनिंग होगी। उसके बाद दोस्तों स्क्वाड अप होगा, उठक बैठक होगा दो, उसके बाद पुशअप 10 होंगे। उसके बाद बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल इंडिविजुअल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें 10वीं पास युवा कोई भी इंडिया से हो तो अप्लाई इसमें कर सकता है, 10वीं पास युवा। अगर वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों इसकी जो स्टार्ट ऑनलाइन होगी दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं 16 मार्च से लेकर 22 मार्च की चलेगी, और इसकी एग्जाम होगी दोस्तों अप्रैल या मई में इसकी एग्जाम हो सकती है दोस्तों। और भी बहुत सारे जैसे देख पा रहे, आज हम इस भर्ती में बात कर रहे हैं कि तस्तरक्षस में इस पर भर्ती आएगी दोस्तों। तो यही थी बहुत सारी जानकारी इस पर, और भी बहुत सारी जानकारी है कि कितने पद होंगे। अगर पद की बात करें तो बहुत सारे पद होंगे दोस्तों, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपकी जो पद है लगभग 500 से 600 पद शायद हो सकती है, इसमें कम हो सकती है, क्योंकि ऐसा आ सकता है क्योंकि जो पद है दोस्तों बहुत बम्पर भर्ती की पद है दोस्तों, क्योंकि ये जो भर्ती बहुत दिनों से नहीं आई थी यांत्रिक, तो ये बम्पर भर्ती होगी। तो यही थी मेरी छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को शेयर कीजिए, फैला दीजिए और कमेंट कीजिए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ, एक कुछ नई बातें करते हैं फिर एक नए वीडियो में, तो फिर एक वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।